हाँ तो दोस्तों, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB में जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ था सेंटअप का, उसका रिजल्ट कब होगा मैं आपको वो बताने आया हूँ। साथ ही आपको ये बताऊँगा कि इंटर का जो आपका मॉडल सेट है, वो आप जितना भी मॉडल सेट है, जितने भी सब्जेक्ट वाइज है, उस सभी मॉडल सेट को आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, ये सारी प्रोसेस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने आऊँगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, किस तरह से फॉर्म भरते हैं या सिलेबस क्या क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई सा भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है इंटर सेंटअप का रिजल्ट 12 तक बोर्ड को भेजे जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे है जो बताया जा रहा है साफ तौर से, इंटरमीडिएट 2019 की सेंटअप परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के समाप्ति के बाद जितने भी सारे स्कूल है सभी को बंद कर दिया गया है। अब स्कूल छठ पूजा के बाद यानी कि 15 नंबर को खुलेगी। इसी बीच स्कूलों को सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर 12 नंबर तक बिहार बोर्ड को भेज दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है तैयारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट को 12 नवंबर तक बिहार बोर्ड को भेजा जाएगा। उसके बाद यानी कि 12 नवंबर के बाद आपका जो सेंटअप का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट ला दिया जाएगा। यानी कि 12 नवंबर के बाद आपका फाइनली इंटरमीडिएट का जो सेंटअप का रिजल्ट था वो ला दिया जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जो भी है मॉडल प्रश्न पत्र है, जो सेट है, आप उसको किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इधर आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र का सेट अपलोड कर दिया गया है। इंटर के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बिहार बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र का सेट जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर इंटर के 48 विषयों की मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये रहा वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में आपका टोटल 48 विषय के लिए मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया है। और इन सभी जो मॉडल सेट अपलोड किया गया है दोस्तों, इसमें आपका सभी विषयों में 50% वस्तुनिष्ठ और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न है। यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से आप मॉडल सेट अपना डाउनलोड कीजिएगा या प्राप्त करिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है इंटरमीडिएट का मॉडल सेट। जो इंटरमीडिएट का एग्जाम 2019 में होने वाली है उसका मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। तो इसी को मैं बताने आया हूँ कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों, इस वेबसाइट का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा डेट, आप उस लिंक को क्लिक कर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से अपना मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे नीचे आना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लॉगिन लिखा हुआ है, मैट्रिक लॉगिन लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं चेयरमैन मैसेज लिखा हुआ है, इसके नीचे भी आपको आना होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है। इसी लेटेस्ट अपडेट में यही चीज़ बताया गया है कि आपको किस तरह से मॉडल पेपर मॉडल सेट को डाउनलोड करना है इंटरमीडिएट के लिए। तो दोस्तों, अभी इंटरमीडिएट के लिए अपडेट किया गया है, तो मैं आपको इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैट्रिक के लिए भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से मैट्रिक का मॉडल सेट डाउनलोड किया जाता है मैं आपको वो भी बताऊँगा। और आप ये मॉडल सेट को मोबाइल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना लैपटॉप हो गया या तो कंप्यूटर हो गया, जिसके भी थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का जो है मॉडल सेट आप देख सकते हैं 2019 का बताया गया है। ये रहा सभी चीज़, जहाँ पे केमिस्ट्री है, संस्कृत है, भोजपुरी में जो लैंग्वेज है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज है, जितना भी टोटल आई थिंक टोटल 48 जो है मॉडल सेट को यहाँ पे अपडेट किया गया है। इन सभी को आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो जो आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से PDF फाइल के थ्रू। और जल्द ही ये जो मॉडल सेट है इसको आपको बुक के रूप में मार्केट में ला दिया जाएगा। तो आप मार्केट से भी इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मार्केट में आने में अभी कुछ टाइम लगेगी, लेकिन जो है ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। चलिए, और आपको देखना है पूरा तो आपको यहाँ जो लिखा हुआ है रीड मोर, इसे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं इसे रीड इसे क्लिक कर आपको दिखाता हूँ कितना टोटल है। तो दोस्तों, नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं साइंस के लिए है जो है 2019 में है, जहाँ पे इंटर मॉडल सेट, उसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल है जो बंगला हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, नीचे आते हैं फिजिकल करके कुछ है, उसके बाद क्या अल्टरनेटिव इंग्लिश हो गया, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद आ सकते हैं नूवल है, कुछ कर कर है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सभी लैंग्वेज में और सभी सब्जेक्ट को बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए है, सभी सब्जेक्ट का है, अरेबिक हो गया, आई थिंक मुझे पता भी नहीं इसमें क्या क्या होता है इंटरमीडिएट में जो नया अपडेट किया गया है, मैथ हो गया। इन सभी का जो भी मॉडल सेट है दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं मैथिली हो गया, भोजपुरी लैंग्वेज में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है पेज है आप देख सकते हैं 9 पेज तक है। तो आप नेक्स्ट
कर कर आप टोटल अपना अनुसार जो भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट को डाउनलोड करना है आप अपना अनुसार नेक्स्ट में जाकर उसे देखकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों जो सब्जेक्ट का मॉडल सेट आपको डाउनलोड करना है आप नेक्स्ट में जाकर देख लीजिएगा आपको कौन कौन सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट है आप उस मॉडल सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ किस सेट डाउनलोड करना है। चलिए सपोज मैं ले लेता हूँ क्या इंग्लिश। तो इंग्लिश को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा यहीं पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते हैं आप देखिएगा एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए कहेगा, ये रहा पीडीएफ फाइल। इस पीडीएफ फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। चलिए इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूं। दोस्तों ये रहा पीडीएफ फाइल जिसे मैं डाउनलोड कर चुका हूं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 का जो एनुअली है इंग्लिश का है जो मॉडल सेट है यानी कि टोटल फुल मार्क्स के लिए जो टोटल फुल मार्क्स है वो 15 नंबर का है यानी कि जो सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव भी है जो 15 नंबर का होगा। टोटल टाइम से 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नीचे आते हैं तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये रहा सेक्शन ए जहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 10 पेज है दोस्तों। तो 10 पेज में ये क्वेश्चन दिया गया है जो मॉडल सेट 1 है। तो इस तरह से दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा मॉडल सेट जो ऑफिशियली BSEB के द्वारा अपडेट किया गया है इंटरमीडिएट में। फिर दोस्तों अब मैं आपको एक और डाउनलोड दिखा देता हूँ किस तरह से किया जाता है। तो आपको मैं हिंदी में दिखाता हूँ। तो हिंदी का फाइल ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करने के दे रहा PDF फाइल। चलिए इसे मैं क्लिक कर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का पेज है क्या क्या है एक्चुअली हु बहू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का मॉडल सेट होती है। तो दोस्तों ये रहा जो है हिंदी का अब जैसे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअली हिंदी मॉडल सेट है जो टोटल 100 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OPT का कुछ दिया जा रहा है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से क्वेश्चन पूरा यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये है हिंदी का। चलिए नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है हूबहू इंस्ट्रक्शन जैसे दिया जाता है उसे दिया हुआ है। बहुगल्पिक उत्तर ये है जो आपके अनुसार जो आपको आंसर सही लगता है वो दे दीजिएगा सेट मार लीजिएगा और जो मॉडल सेट है उसे भी बना लीजिएगा। इससे आपको रिवाइज हो जाता है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल दोस्तों हूबहू है जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 12 पेज है। तो आप देख सकते हैं 12 पेज में ये बताया गया है। अभी ये सब ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हैं यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आ रही है सब्जेक्टिव नीचे आते हैं दोस्तों। तो अब रहा ये सब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं विषय अनुष है जो 50 अंक के लिए सब्जेक्टिव है। इससे पहले जो था 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव था तो दो पैटर्न में आपको मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहेगा 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स के लिए। तो ये है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार क्वेश्चन जो है उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन दिया रहता है कि दो में से एक बनाना है जो भी जो इस तरह सुविधा है नया जो पैटर्न पे आया है उसके अनुसार से दोस्तों देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे आपको स्टेप बाई स्टेप बता चुका हूँ मैं मोबाइल के थ्रू और आप लैपटॉप के या कंप्यूटर के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना मॉडल सेट। ओके दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों किसी पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा मैं सभी कमेंट को पर्सनली आंसर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से 1% भी बेनिफिट या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप में फेसबुक में शेयर कीजिए और प्लीज़ और मुझे सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले ये न्यूज़ से वो अपडेट रहें कि किस तरह से डाउनलोड किया जाता है सेट इंटरमीडिएट का मॉडल सेट। और कुछ दिन के बाद मैट्रिक का भी ला दिया जाएगा तो मैं उस पर भी पर्सनली वीडियो बनाकर आपको लोगों को दिखा दूंगा। तो ओके दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पर फिर किसी गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.